हम इस वक्त टर्की इस्तांबुल में मौजूद हैं, और ऐसे कैसे हो सकता है कि हम टर्की आए, इस्तांबुल में मौजूद हों और हम अर्तुगरुल गाजी के मज़ार को विजिट करने ना जाए। हम जितने भी पाकिस्तानी हैं, बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन्होंने इस ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। और जब हमने भी ये देखा था तो हमें तभी से था कि हम टर्की ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह, और जब भी जाएंगे इस मकाम पर ज़रूर जाएंगे, ये जितने भी हमारी तारीखी मकाम हैं उनको विजिट ज़रूर करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी हम इस वक्त टर्की इस्तांबुल में मौजूद हैं और आज हम उस तरफ ही जा रहे हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी तारीखी मकामात होंगे हम आपको वो ज़रूर दिखाएंगे और अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उसको एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप सारी चीज़ें आप देख सकें और आपको वो पसंद आ सके। और ये जितना भी ये ड्रामा था ये हमें इतना पसंद आया था और हम इससे इतना इंस्पायर हुए थे कि हमने जब ये आया था देखा था, हमें तब से ही था कि हम अभी जाएं उसको देख के आए, वो चीज़ें देख के आए। लेकिन जारी बात है ये चीज़ें टाइम लेती हैं, तो वो टाइम अब आ चुका है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये तारीखी मकाम को देख के ना एक अलग सी ही फील आते हैं इंसान को, वो एक अलग ही कैफियत होती है इंसान की। तो अभी हम इस वक्त उस तरफ ही जा रहे हैं, तो साथ साथ में आपको साथ सारी डिटेल आपको देती रहूँगी, साथ साथ में दिखाती रहूँगी। सिर्फ एक चीज़ नहीं दिखाऊंगी, जितने भी वो उस ड्रामे में सारी वो चीज़ें जो आप लोगों ने देखी हुई है मैं कोशिश करूँगी आपको वो सारी दिखा सकूँ। और हम सुकूत भी जाएंगे, बुसरा भी जाएंगे, और सबसे पहले हम क्या नाम है अर्तुगरुल के मज़ार पर जाएंगे, और उस्मान गाजी, ये सारे जितने भी हैं अब मैं यहाँ पर बताने लगूंगी तो फिर तो बात ही और हो जाएगी, आपको जाके ही दिखाऊंगी मैं इंशाल्लाह। तो बस अपने दुआ में याद रखिएगा, साथ साथ हम जा रहे हैं, मैं मिलती हूँ वहाँ पर पहुँच के आपसे इंशाल्लाह। तो ये हमारे साथ ही बैठे आने और बाहर आने तो लेटी हुई है, उसकी हिम्मत हो रही है, वो इधर आगे बैठे इधर जाने तो बैठ गया नहीं। अस्सलाम लो, पता नहीं आने की आपको आवाज़ आई कि नहीं, आने के लिए अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी हम बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो देखते हैं वहाँ पर जाके इंशाल्लाह। चलें जी, ये अर्तुगरुल गाजी के मज़ार पर हम पहुंच चुके हैं, अब हम चलते हैं अंदर। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है अर्तुगरुल गाजी। फाइनली वो टाइम आ गया कि अब हम अंदर जाएं और उसको जाकर देखें। इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि हम टर्की जाएं और ये जगह ज़रूर जाएं और इसको देख के आएँ। तो ये देखें अंदर दाखिल होते ही यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने जो हलीमा सुल्तान है उनकी मसनूई कब्र यहाँ पर ही है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए इधर लिखा हुआ भी है हलीमा खातून, ये उनकी कब्र है, ये मसनूई कब्र है यहाँ पर। तो जी अब हम जा रहे हैं अंदर, ये सामने ही अर्तुगरुल गाजी का मज़ार है और यहाँ पर गार्ड्स खड़े हैं, आप गार्ड्स के साथ पिक्चर भी ले सकते हो और फिर उसके बाद अंदर जा सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर लूँगी अमान आने की पिक्चर इनके साथ, गार्ड्स के साथ, और फिर हम इंशाल्लाह जाएंगे अंदर। अब हम चलते हैं अंदर देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार।
चले जी, अर्तुल गाजी के मज़ार से बाहर निकलते साथ ही उनके जो जितने भी साथी थे उनकी भी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं ये सब के नाम उन्होंने लिखे हुए हैं। तो जी, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने हमें कमेंट में ज़रूर बताना है और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। तो जी, अब आप हमें दे इजाज़त, हम आपका मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई चीज़ के साथ। तो जी, अल्लाह निगहबान।